आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती किसान था। वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा था। उसका बेटा विशाल भी बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर रोज खेत में अपने पिता की सहायता किया करता था। सोहन की बेटी सुमन वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। सोहन को दिन रात अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताती कि वो अपनी बेटी का विवाह कैसे करेगा, क्योंकि उसकी बेटी की शादी के लिए जितने भी रिश्ते आते वो सब दहेज मांगते, पर सोहन के पास तो पैसे थे ही नहीं। तो वो हमेशा यही सोचता कि आखिर में रुपयों का इंतजाम कैसे करूं और मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा। एक दिन वो खेत से काम करके रात को वापस घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि अजय, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई, आप कहाँ रह गए थे। तब सोहन कहता है कि कुछ नहीं, बस आज काम कुछ ज्यादा था तो वही निपटा रहा था। ठीक है, आप चलकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर सोहन कहता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं खाना, वैसे भी कुछ खास भूख नहीं लगी है। तब उसकी पत्नी कहती है कि अरे, आपने तो आज सुबह भी ढंग से खाया नहीं और पूरे दिन इतना काम भी किया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। परंतु सोहन तब भी खाना खाने से मना कर देता है। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप न तो ढंग से खाना खाते हो और न ही किसी से बात करते हो, आप इतने गुमसुम क्यों रहने लगे हो, आखिर क्या बात है मुझे बताइए। परंतु सोहन कुछ जवाब नहीं देता और फिर उसकी पत्नी के कई बार पूछने पर सोहन उससे कहता है कि अब हमारी बेटी सुमन कितनी बड़ी हो गई है, हमें इसकी शादी करनी है और तुम्हें तो पता ही है कि इसके लिए जितने भी रिश्ते आए हैं वो सभी कितना दहेज मांग रहे हैं और इसी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी शादी कैसे करूं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तब उसकी पत्नी कहती है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सुमन की शादी भी हो जाएगी। तब सोहन कहता है कि कैसे होगी, कैसे चिंता न करूं भला, क्वारी लड़की को हम कब तक अपने घर में इस तरह बैठाए रखेंगे। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप जाकर जमींदार जी से बात करके उनसे कुछ पैसे उधार ले आइए, उसके बाद हम उन्हें धीरे धीरे करके उनके पैसे वापस लौटा देंगे। तब सोहन कहता है कि तुम सही कहती हो, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। और अच्छा, क्या बच्चे सो गए। तब उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, बस अभी अभी सोए हैं। उसके बाद सोहन और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सोहन उठकर तैयार होता है और वो सबसे पहले जमींदार के पास जाता है और जमींदार सोहन को आता देख उससे कहते हैं, और भाई सोहन, क्या हाल है तुम्हारे, कहो कैसे आना हुआ। तब सोहन कहता है कि जमींदार साहब, बस ऐसी ही स्थिति है, बाकी मुझे आपसे एक काम था, मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। तब जमींदार कहता है कि कहो तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तब सोहन कहता है कि जमींदार साहब, इस बार मुझे कुछ हजार रुपयों की नहीं, बल्कि मुझे तो 2-3 लाख रुपए की जरूरत है। उस पर जमींदार हैरान होकर उससे पूछता है कि 2-3 लाख रुपए, इतने रुपयों का क्या करोगे। तब सोहन कहता है कि साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे इस बार थोड़े ज्यादा रुपए उधार चाहिए, पर आप चिंता न करें, मैं आपको सूद समेत सारे रुपए वापस कर दूंगा। तब जमींदार कहता है कि तुम सोच लो, क्या तुम समय पर मेरे पैसे वापस लौटा पाओगे, तुम्हें तो पता है कि मैं समय का कितना पक्का हूँ, मुझे हर महीने समय से ब्याज चाहिए होता है। तब सोहन कहता है कि हाँ हाँ साहब, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप भरोसा रखिए, मैं समय पर आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर उसके बाद जमींदार उसे 3 लाख रुपए उधार दे देता है। उसके बाद सोहन वापस घर आ जाता है। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि अजी, क्या आपको पैसे उधार मिल गए। तब सोहन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जमींदार साहब से पूरे 3 लाख रुपए उधार लिए हैं,
अब हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद सोहन अपनी बेटी सुमन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देता है। उस दिन के बाद से सोहन कड़ी मेहनत करता है ताकि वो जमींदार का कर्ज समय पर चुका सके और इसमें उसका बेटा विशाल भी उसका हाथ बांटता है। फिर उसके कुछ महीने बाद एक दिन जमींदार अपने दो आदमियों के साथ सोहन के घर पर आता है और कहता है कि क्यों भाई सोहन, इस बार भी तुमने मेरे ब्याज के पैसे नहीं दिए। तब सोहन कहता है कि जमींदार साहब, कृपया करके आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, इस बार मेरी फसलें ज्यादा वर्षा के कारण खराब हो गई हैं और पिछले 3 महीनों से हमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा। घर का खर्च ही बड़ी मुश्किलों से चल रहा है। जमींदार कहता है कि इससे भला मुझे क्या लेना देना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे हर महीने समय पर मेरे ब्याज के रुपए चाहिए, पर तुमने पिछले 2 महीने से ब्याज के रुपयों में भी कटौती कर दी है, ऐसे कैसे चलेगा भला, तुम ब्याज नहीं चुका पा रहे हो तो मेरा मूल कैसे वापस करोगे। तब सोहन कहता है कि जमींदार साहब, कृपया करके मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपका सारा पैसा आपको वापस लौटा दूंगा। तब जमींदार कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मैं तुम्हें केवल 1 महीने का समय दे रहा हूं, अगर तुमने मेरे पिछले महीने का ब्याज नहीं दिया तो मैं तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। उसके बाद जमींदार धमकी देकर वहां से चला जाता है। ये सब बातें सोहन का बेटा विशाल सुन लेता है और वो कहता है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कृपया करके मुझे एक बार शहर जाने दीजिए, मैं वहां जाऊंगा तो थोड़े ही समय में ज्यादा धन कमा सकूंगा और उसके बाद हम अपना कर्ज भी चुका चुके होंगे। पर सोहन विशाल से कहता है कि बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें भला शहर कैसे भेज सकता हूं। तब विशाल कहता है कि पिताजी, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है और वैसे भी कुछ ही समय बाद मैं वहां पर पैसे कमाने लग जाऊंगा और उसके बाद हम अपना कर्ज भी चुका सकते हैं। यहाँ पर तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, ऊपर से हमें इतना सारा नुकसान झेलना पड़ता है, आप कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए, मैं वहां जाकर आपकी सारी समस्याएं को हल कर दूंगा। परंतु सोहन विशाल की बात नहीं सुनता और उसे शहर जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम ये शहर के ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें शहर नहीं भेज सकता, हमें यहीं रहकर कुछ करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीत जाता है और 1 महीने बाद फिर से जमींदार अपने आदमियों को लेकर सोहन के घर पहुंच जाता है। वो उससे फिर से ब्याज के पैसे मांगने लगता है, परंतु सोहन के पास पैसे नहीं होते और वो जमींदार से कुछ और समय मांगता है, परंतु जमींदार उसकी एक बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उससे उसका खेत हड़प लेता है। तब सोहन बहुत रोने लगता है और वो अपने घर वापस चला आता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आखिर हम क्या करेंगे, जमींदार ने तो हमसे हमारा खेत भी छीन लिया, अब हम कैसे अपना घर का खर्च चलाएंगे। तब उसकी पत्नी कहती है कि अजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, भगवान सब ठीक करेगा, हम अब कोई और काम ढूंढ लेंगे और खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे, अगर अब हमारे पास खेत नहीं है तो क्या हुआ, हम कुछ भी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। सोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर अगले दिन से ही काम ढूंढने चला जाता है। उसे बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरी का वो ईंट उठाने का काम मिल जाता है और वो खूब मेहनत करके पैसे कमाता है, परंतु उससे भी उनके घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। तब कुछ दिन बाद विशाल फिर से अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए, कृपया करके आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं शहर जाऊंगा और मैं वहां पर खूब मेहनत करके खूब पैसे कमा लूंगा और आप देखना, जल्दी से ही कुछ ही समय में हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। परंतु सोहन विशाल की बात नहीं सुनता और उसे डांटकर वहां से भेज देता है। तब उसकी पत्नी आती है और वो उससे कहती है कि आप अपने बेटे को एक मौका तो देकर देखिए, आखिर हमारा बेटा कितना मेहनती है और वो बहुत ही समझदार है, मुझे पूरा यकीन है कि वो शहर में जाकर अच्छे से अपना काम करेगा, और अब तो हमारे पास हमारी खुद की जमीन भी नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर कोई काम मिलता है, कम से कम उसे एक बार एक मौका तो देकर देखिए,
मुझे यकीन है कि वो हमें निराश नहीं करेगा। फिर सोहन सोचता है कि हमें तो यहाँ पर भी वैसे भी कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्यों न मैं अपने बेटे को एक मौका देकर देख ही लूँ। उसका शहर में जाने का इतना मन है, और क्या पता वहाँ जाकर सच में मेरे बेटे का जीवन सफल हो जाए। इसके बाद वो अगले दिन सेठ जी के पास जाता है और अपना घर गिरवी रख कर देता है और उससे कुछ रुपए उधार ले आता है। फिर वो आकर अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है और मैं सेठ से कुछ रुपए उधार लेकर आया हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि अजी आपने ऐसा क्यों किया, भला हमसे हमारा खेत तो छिन ही चुका है, अब अपना घर भी गिरवी रख दिया, आपने भला ऐसा क्यों किया। तब सोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि अरे भाग्यवान तुम चिंता मत करो, तुम सही कहती हो, हमारा बेटा बहुत समझदार व मेहनती है और इसका शहर जाने का बहुत ज्यादा मन है, हमें इसका सपना पूरा करने में इसकी मदद करनी चाहिए, और अगर ये शहर जाएगा तो इसके पास वहां जाने के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए, भला ये एक अनजान शहर में बिना पैसों के अपना गुजारा कैसे करेगा, क्योंकि वहां जाते ही तो इसको कोई काम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लिए हैं ताकि हम अपने बेटे को शहर भेज सकें। इसके बाद सोहन की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर कहती है कि एक दिन हमारा बेटा जरूर कामयाब होगा। फिर सोहन विशाल को अपने पास बुलाता है और कुछ पैसे लाकर विशाल को दे देता है और विशाल से कहता है कि ये लो बेटा ये कुछ रुपए हैं, तुम अब शहर में जाकर खूब मेहनत करना और खूब मन लगाकर काम करना। तब विशाल बहुत खुश हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे इतने रुपयों की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर जाकर खूब मेहनत करूंगा, आप चिंता न करें, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। तब सोहन कहता है कि अरे नहीं बेटा ये ज्यादा पैसे नहीं है, इन्हें तुम अपने पास संभाल कर रखो, तुम एक अनजान शहर में जा रहे हो, क्या पता तुम्हें कब इनकी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें जाते ही तो वहां पर काम नहीं मिलेगा, वहां पर तुम खूब मेहनत करना और मन लगाकर काम करना। तब विशाल कहता है कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं कुछ ही समय में वापस लौट कर आऊंगा। उसके कुछ दिन बाद विशाल शहर की ओर निकल पड़ता है। फिर सोहन और उसकी पत्नी भी अगले दिन से काम ढूंढने लगते हैं और सोहन को मजदूरी का काम मिल जाता है और सोहन की पत्नी भी दूसरे के घरों का काम करने लगती है, परंतु इतने पैसे से उनके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, तो वो सेठ से उधार लिए पैसे भी नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से उनका घर भी उनसे छिन जाता है। एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें वो रहने लगते हैं। उनके हालात अब बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। सोहन और उसकी पत्नी बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा करते थे, वो दिन रात इतनी मेहनत मजदूरी करते, दूसरों के घरों में काम करते, ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोहन और उसकी पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं, तब सोहन की पत्नी उससे कहती है कि पता नहीं हमारा बेटा विशाल कैसा होगा, वो वहां पर ठीक से रहता भी होगा या नहीं, या वो समय पर खाना खाता भी होगा, मुझे तो दिन रात उसकी चिंता ही लगी रहती है। तब सोहन कहता है कि अरे भाग्यवान अब तो मुझे भी हमारे बेटे की चिंता सताती है, इतने बरस हो गए, हम कभी उससे इतने समय तक अलग नहीं रहते थे, परंतु अब देखो हमने कितने वर्षों से उसे नहीं देखा और पता नहीं वो वहां कैसे रहता होगा। जब सोहन और उसकी पत्नी ये बात कर रहे होते हैं तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है और सोहन कहता है कि रुको जरा मैं देख आता हूँ कौन आया है। जब सोहन अपने घर का दरवाजा खोलता है और वो अपने सामने अपने बेटे विशाल को देखता है तब वो बहुत खुश होता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तब सोहन की पत्नी भी दौड़कर आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि अरे बेटा तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। तब विशाल अपने माता पिता से कहता है कि अब आप दोनों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने शहर में खूब मेहनत की और वहां पर अपना खुद का घर भी खरीद लिया है और मैं यहाँ पर आप दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ, अब हम साथ रहेंगे और जैसा ही मैंने आप दोनों से वादा किया था कि एक दिन हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, आप दोनों ने मेरे लिए इतने कष्ट सहे व इतनी मेहनत की, अब मैं आप दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद सोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं
और वो विशाल के साथ शहर में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में खूब मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके सुझावों से बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया आप हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।